बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि दुआ के साथ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अपने घरों में। खुश रहवा मैं आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल अबीहा कुकिंग पे, जहां पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं आज डोरा केक्स की रेसिपी। तो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने लगी है, बच्चों के पसंद के ये केक्स होते हैं, तो आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम को एज ए स्नैक्स दे सकते हैं। तो चलिए जो टाइम को वेस्ट के बगैर मैं चलती हूँ आप अपनी रेसिपी की तरफ और आपको सिखाती हूँ डोरा केक्स। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दूध। दूध मैंने यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ले लिया है एक कप, और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, और इसमें डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा और अब मैं इसको साइड पर रखूँगी, और इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो है स्टेप्स करूँगी। लेकिन जिन देर में मैं वो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ चैनल पर, मैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है एक कप, और उसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क दूध 1/4 कप, मीठा सोडा इसमें चल जाएगा 1/4 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर चला जाएगा 1/2 टीस्पून। साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी पाउडर शुगर 1/2 कप, और इन सब खुश्क चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी हनी यानी कि शहद 1 टेबलस्पून, और इसके बाद जो है ऑयल में ले लूँगी इसमें 1/2 कप, और साथ ही जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। अच्छा, इसमें हमने आपके सामने मैंने कोई भी अंडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हमारे डोरा केक्स बनेंगे बगैर अंडे के। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ दूध थोड़ा थोड़ा करके, और इसको पहले मैं चम्मच से रफली मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद जो है दूध डालने के बाद मैं हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। तो बेहतरीन किस्म की रेसिपी ये बनने वाली है, बहुत कम बजट में आपके सामने मैंने इसमें कोई अंडे का यूज़ नहीं किया। तो अभी तक अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस तरह लग रही है आपको मेरी ये रेसिपी। तो ये देखें, बिल्कुल ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। हैंड बीटर की मदद से मैंने इसको बस एक आधा मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको कर लूँगी यहाँ पे बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, फ्लैट पैन ले लिया है, और इसमें जो है मैं ऑयल ब्रश कर लूँगी। ऑयल ब्रश करने के बाद आपने जो है ना पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करना, ठीक है, बस आपने रखना है, और हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो तो आपने इस तरीके से थोड़े से फासले से, ठीक है, देखिए ऊंचाई से मैं डालूँ, आपने ये डोरा केक्स जो है डाल लेने हैं। अच्छा, साइज़ आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा बड़ा रख रहे हैं तो बेशक बड़ा रख लें, मैं चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो छोटे बना रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे बड़ी चीज़ ले कर वेस्ट कर देते हैं, मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, आप थोड़े से बड़े भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन सेम साइज़ के ये पैन में मेरे 4 आ गए हैं, तो अगर आप थोड़े बड़े बनाएंगे तो फिर आपके पैन में 2 आएंगे, तो बेशक बड़े बना लें बेशक छोटे, ये साइज़ आप पे डिपेंड करता है। तो बस आपने पहली तरफ से 3 से 4 मिनट पकने देना है, और जो किनारे छोड़ना स्टार्ट करें, बबल्स बनने लगे, तो आपने क्या करना है इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये केक्स बनने वाले हैं, बच्चे इसको जो है बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मैंने अपने बेटे की फरमाइश पर बनाए हैं, और बहुत पसंद किए जाने वाले ये डोरा केक्स हैं। तो ये देखें, मैंने इसको इस तरीके से इसके साइड चेंज कर ली हैं, और इन सब की भी मैं कर लूँगी, ठीक है। और अब दूसरी साइड से थोड़ा कम टाइम में पकेंगे, ठीक है, पहली साइड से 3 से 4 मिनट लेंगे और दूसरी साइड से ये 2 से 2.5 मिनट में बन जाएंगे। तो बस अब यहाँ मैं इसको चेक कर लूँगी, तो ये हो गए थे तो मैं इन सबको निकाल लूँगी। अच्छा, आपने यहाँ पैन पे ना ज़्यादा ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, ऑयल आपने जस्ट ब्रश करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने 1/2 कप ऑयल का डाला हुआ है, ठीक हो गया। तो अगर आपने बीच में ऑयल ना लगाया हुआ ना, तो फिर आप जो है पैन में डालते हैं। तो अब मैं आपके सामने जो है एक दफ़ा और डाल के आपको दिखा देती हूँ। मैं देखें थोड़ा सा फासले से मैं डाल रही हूँ, तो अब मैं अंदर जो है इसके चॉकलेट लगाऊंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ डालने के बाद कि वो मैं किस तरीके से लगाऊंगी और किस तरीके से हम लोग इसको बच्चों के साथ लिए सर्व करेंगे कि बच्चों के लिए अट्रैक्टिव भी हों, टेस्टी भी हों और हेल्थी भी हों, ठीक है। तो ये थोड़े से बड़े मैंने बनाए थे, तो अब ये 3 आए हैं पैन में।
और ये देखें जी आपके सामने ये डोरा केक्स तैयार हो चुके हैं। जब ये सारे बन जाएंगे तो मैं इसके अंदर कलर लगा लूँगी चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट सिरप भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, खुद चॉकलेट बना के भी लगा सकते हैं, बाज़ार से ली भी चॉकलेट भी लगा सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, तो ये मैंने जो है नॉर्मल जो बाज़ार से चॉकलेट मिलती है किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, वो मैंने इसके ऊपर लगा ली है। आप भी इस तरीके से इसको लगा लें तो इससे ये होगा कि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तो आप बच्चों के लिए ये बनाएं स्पेशल और उनको बेशक शाम में चाय के साथ दें, उनको जो है आप ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और उनको लंच में भी दे सकते हैं। बच्चों के ये एक पहली बात तो ये कि ये केक्स जो होते हैं पैनकेक्स बहुत फेवरेट होते हैं और फिर उसमें चॉकलेट की भी एडिशन हो गई है तो वो मज़ीद फेवरेट हो जाते हैं। तो चलिए जी, ये आपके सामने मैंने सारों के सारों पैनकेक्स के ऊपर इस तरीके से चॉकलेट लगा ली थी। तो ये हमारे यम्मी ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो गए थे, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने थे ये। तो चलें जी, ये मैं अब आपके सामने इनको सर्व कर रही हूँ और मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये, आराम से किस तरह से ये कट हो रहा है और जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। तो आपने इन डोरा केक्स को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और सबसे मज़े की बात ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है और मिनटों में तैयार हो जाने वाली। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट था ये, जस्ट छुरी ऊपर रखने की देर थी और ये कट गया था। ये देखें अंदर से बहुत ही यम्मी और लग रहा है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है मेरी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक और फिर कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये भी बताना है कि किस तरह के बने आपके ये डोरा केक्स। और चलें जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।